इंद्रगढ़ तिरवा में लगने वाले बाजार से मवेशी भरकर ले जा रहे लोडर को पकड़ लिया और लोडर में मवेशी भूसे की तरह भरे हुए थे। पुलिस ने लोडर के चालक के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोडर में भरे मवेशियों को लेलेपुर गौशाला भेजा गया। कस्बा के पटेल नगर तिराहे पर आज सुबह लोडर में भूसे की तरह पालतू मवेशी को चालक सौरभ की ओर से ले जाया जा रहा था। कस्बा के लोगों ने एक के ऊपर एक लदे देख चालक को रोक दिया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ हो गई। मवेशियों की दुर्दशा देख लोगों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं इसकी शिकायत इंद्रगढ़ पुलिस से की और पुलिस को आता देख चालक लोडर छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने चालक को भागता देख पकड़ लिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। पुलिस ने कस्बा के लोगों की मदद से पालतू मवेशी जानवरों को गौशाला छुड़वाया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीद कर ले जाया जा रहा था। एक के ऊपर एक भूसे की तरह बंद पड़े हुए थे। कस्बा के लोगों ने मानवता दिखाते हुए छुड़ाया और मौका पाकर चालक फरार हो गया। कुल 25 की संख्या में पालतू मवेशी जानवर देखे गए। मैनपुरी जनपद के भौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलाबाद निवासी शाहिद से पूछताछ की। शाहिद ने बताया कि बेवर के एक व्यापारी ने तिरवा बाजार से मवेशी खरीदे थे और मवेशियों को भरकर लोडर से ले जाया जा रहा था। लोडर को व्यापारी ने किराए पर लिया था। वहीं थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और मवेशियों को लेलेपुर की गौशाला में भेज दिया। कुछ मवेशी घायल हैं जिनके इलाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को अवगत करा दिया गया। ज्ञानेंद्र सेंगर, तहसील संवाददाता, तिरवा, कन्नौज।